स्टूडेंट्स देखिए 7.5 में 6 का क्वेश्चन है x³ + y³ - 3xy = 0 देन प्रूव दैट d2y/dx² = यहां पे 2a स्क्वायर भी जगह क्यूब होना चाहिए जैसे लो वेरीफाई हो गया है देखते हैं चेक कर लेंगे और x³ + y³ - 3xy गिवन कंडीशन को लेके चलेंगे 3xy को आगे ले जाएंगे ट्रांसपोज करके एक नंबर इक्वेशन डाल दिया यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो x³ का 3x² हो जाएगा y³ का 3y² dy/dx 3a कांस्टेंट है इनटू में रहेगा और xy का x इनटू में y का dy/dx + y इनटू में x का 1 3 कॉमन लेंगे और इस तरफ भी 3 कॉमन लेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहां पे x² + y² dy/dx बचेगा और इस तरफ a का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल हो गया है ax और ay बचा ax dy/dx इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ट्रांसपोज करेंगे हमें ax - y² चाहिए तो dy/dx के टर्म इस तरह से आगे ले जाएंगे कि x² - ay तो इधर आ गया और ax - y² dy/dx कॉमन आ जाएगा अब dy/dx फाइंड करेंगे तो x² - ay के डिवाइड में चला जाएगा ax - y² दो नंबर इक्वेशन डाल देंगे यहां पर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो v का इनटू हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन x² का 2x - a dy/dx - u का इनटू और v का डिफरेंशिएशन ax का तो a इनटू में 1 और -2y dy/dx यहां तक ही है ये आगे वाला टर्म उधर की तरफ है तो ये तो हो ही गया अभी यहाँ एक साथ dy/dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से पुट कर देंगे तो देखिए d2y/dx² आ रहा है ax - y² है 2x के अपॉन में 1 लगा दिया -a(dy/dx) की वैल्यू पुट कर दी इसी प्रकार -x² - ay a के अपॉन में 1 लगा दिया -2y(x² - ay)/ax - y² है अब ax - y² है इसका एलसीएम लेंगे 2ax² - 2x a² देखिए 2ax² हो गया और इसका यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2xy² हो जाएगा माइनस का ठीक है यहाँ माइनस a का मल्टीप्लाई होगा -ax² - -± + a² y आगे वाले में x² - ay है एलसीएम लेंगे a² x हो जाएगा -ay² - 2x² y और -± + 2ay² हो गया अब दोनों के एलसीएम जो है वो सेम है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक साथ 2 पावर है 3 पावर हो जाएगी ऊपर वाले में जो टर्म आ रहे हैं उनके अंदर सिमिलर टर्म में सब्ट्रैक्शन करेंगे जैसे ये तो भारी है 2ax² में ax² कम कर दिया तो ax² बचा -2xy² और a² y आ रहा प्लस का -x² - ay a² x है -ay² 2ay² पॉजिटिव है तो एक ay² पॉजिटिव में बचेगा -2x² y क्यूब 3 पावर नीचे आ रही है d2y/dx² इनका 3 टर्म का 2 टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 6 टर्म आ गई साइन का ध्यान रखना है यहाँ ब्रैकेट ओपन नहीं किया इन 2 टर्म का इन 3 में मल्टीप्लाई किया है प्रत्येक का मल्टीप्लाई का रूल आता ही आपको अब इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको करेंगे पहले ये लिख दिया 2ax² y² है और -ax² y² है तो 3 हो गए और ये पहले वाला टर्म है इन दोनों को ऐड कर दिया 2ax² y² और ax² y² 3ax² y² हो गए a³ xy एज इट इज है 2xy⁴ है और a²y⁴ है माइनस इसके अंदर ये ऐसे कैसे लिख दिया ax² y² 2a और a मिलके 3ax² y² हो गए बाकी ये 3 टर्म एडिटिव उतार दिए अभी इसमें ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और वो प्लस का हो गया, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। और अब देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए, थ्री ए सिक्स ए हो गया, ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई, टू ए क्यूब एक्स वाई हो गया, टू एक्स वाई टू दी पावर फोर और टू एक्स फोर वाई लिख दिया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू ए क्यूब एक्स वाई, टू एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर थ्री। एक्स क्यूब वाई क्यूब की जगह थ्री ए एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, ये ध्यान रखना आपको, ये सातवें इधर का भी रेज हो रहा है, देखिए। अब इसमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू ए क्यूब एक्स वाई, टू एक्स वाई है इसमें रख देंगे थ्री ए एक्स वाई, तो देखिए इसमें और नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर थ्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस अब ये कुछ लाइनों में ही समाप्त हो जाएगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू ए क्यूब एक्स वाई सिक्स ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, तो अब जो वेरीफाई हो क्या रहा है उसमें एक पावर की मिस्टेक है, तो वो क्वेश्चन की मिस्टेक है, डेफिनेट है, ए क्यूब आएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर थ्री, हैंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करना क्योंकि बड़े लेवल का है और आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इस एक्सरसाइज का, वो और समझ लें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एट का, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर x डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। वैसे तो ये इस लेवल का क्वेश्चन आपको आ सकता है आराम से, जो गिवन कंडीशन है उसको हम लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, एक नंबर इक्वेशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स आ जाएगा, पहले तो 2 हो जाएगा स्क्वायर का करेंगे और फिर इसके बाद में साइन इनवर्स x का हो जाएगा, इसका ट्रांस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करने के बाद में डिफरेंशिएट होगा, अब यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है उसकी जगह आ जाएगा फोर वाई। देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है वो वाई के इक्वल है, अब इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तब आंसर आएगा, वी यू का इनटू होल स्क्वायर का हो जाएगा टू डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इसका इंटू रहेगा और माइनस में टू एक्स आ जाएगा, वन का तो जीरो होता है, u इंटू वी का रूल लगा और फोर इंटू में रहेगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई
टू डी वाई बाई डी एक्स, प्रत्येक टर्म में टू डी वाई बाई डी एक्स का डिवाइड कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू, टू तो हटी जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स टू आया और ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स इनको आप करना, और दो थ्योरम अगली एक्सरसाइज में आपको बताई जाएंगी, और इसी के साथ डिफ्रेंशिएशन क्लोज हो जाएगा। धन्यवाद, कवर करना।